For translation uh, to be started successfully, three events must occur, and these three events include the ribosome must be recruited to the mRNA, second, a charged tRNA must be placed into the P site of the ribosome, and thirdly, the ribosome must be precisely positioned over the स्टार्ट को डॉन तो ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे ही ये तीन रिक्वायरमेंट्स पूरी होती हैं ट्रांसलेशन जो है वो इनिशिएट हो जाएगी करेक्ट पोजीशनिंग ऑफ द राइबोसोम ओवर स्टार्ट क्रिटिकल बिकॉज दिस एस्टेब्लिश द रीडिंग फ्रेम फॉर द ट्रांसलेशन ऑफ द एम आपको याद होगा कि स्टार्ट कोडॉन ही है जो एम आर एन ए का रीडिंग फ्रेम बनाता है अगर ये स्टार्ट को डॉन जो है वो आगे या पीछे से स्टार्ट हो रहा है तो एंटायरली डिफरेंट प्रोटीन जो है वो ट्रांसलेट uh, होगी वो सिंथेसाइज होगी इसलिए ये जो पोजिशनिंग uh, है करेक्ट पोजिशनिंग ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इन प्रोकैरियोट्स द असेंबली ऑफ द राइबोसोम ऑन एन एम आर एन ए अकर्स वन सब यूनिट एट अ टाइम The small subunit associates with the mRNA first. In prokaryotes, the association of small subunit with the mRNA is mediated by base pairing interactions between the RBS ribosomal binding site and the 16S rRNA of ribosome. For ideally positioned आर बी एस राइ बाइंडिंग साइट द स्मॉल सब यूनिट इज पोजिश ऑन दर एन ए सच दैट द स्टार्ट कोडोन विल बी इन द दी साइट वेन द लार्ज सब यूनिट ज्वाइंट द कॉम्प्लेक्स तो जो स्टार्ट कोडोन है वो ए साइट पी साइट या ई साइट पे आएगा वो आएगा वो सिर्फ साइड पे आएगा वो ए साइड या ई e साइड पे नहीं आएगा द लार्ज सब यूनिट ज्वाइंट इट्स पार्टनर ओनली एट दी एंड ऑफ द इनिशियन प्रोसेस जस्ट बिफोर द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट पैप्टाइड बॉन्ड तो जब सब कुछ हो जाएगा और इनिशिएशन इज अबाउट टू स्टार्ट उस वकत आके लार्जर सब यूनिट जो है वो अटैच होगा thus many of the key events of translation initiation occur in the absence of full ribosome translation initiation is the only time a trna binds to the p-site without previously occupying the a-site normally aotak amino acid jo hai, jo tRNA hai, वो आ, वो आके पहले ए साइड पे आता है फिर वो पी साइड पे जाता है फिर वो ई e साइड पे जाता है लेकिन ट्रांसलेशन इनिशिएशन में सिर्फ ये एक मौका है जबकि टी आर एन ए डायरेक्टली आके पी साइड पे लगेगा ए साइड पे लगने के बगैर ही दिस इवेंट रिक्वायर्स अ स्पेशल टी आर एन ए नोन एज द इनिशिएटर टी आर एन ए सो ये जो है ये इवेंट चूंकि डिफरेंट है इसने पी साइड पे अटैच होना है तो ये टी आर एन ए भी आम टीआरएनए से डिफरेंट होना चाहिए और इस टी आर एन ए को कहते हैं इनिशियटर टीआरएनए दिशिएटर टीआरएनए बेस पेयर स्टार्ट कोडॉन और स्टार्ट को डॉन ए यूजी या जी यू जी है तो इनके साथ ये आके बेस पेयर करेगा लेकिन जब ए यूजी या यू जी यू जी, जी जो है वो रीडिंग फ्रेम के अंदर ओपन रीडिंग फ्रेम में आएंगे तो ये डिफरेंट अमाइनो एसिड्स को कोड uh, कर रहे होंगे फॉर एग्जाम्पल जो जो ए यूजी है ये मिथ्यूनिन को करेगा और जी यू जी जो है ये वेलिन को कोड कर रहा है आल्डो दी इनिशिएटेड टी आर एन ए इज फर्स्ट चार्ज विद अ अन अ फो माइल ग्रुप इज रैपिडली एडिड टू द मिथ्यूनिन अमाइनो एसिड अमाइनो ग्रुप बाय अ सेपरेट एंजाइम विच इज कॉल्ड मेट टी आर एन ए ट्रांसफॉर्माइल एज तो ये जो फोर्माइल ग्रुप की एडिशन से ये जो मिथ्योनिन है इट हैज बिन ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्म्ड इन टू फोमाइल मिथ्योनिन दस राधर देन वेल इन और मिथ्योनिन द इनिशियटर टीआरएनए इज कपल्ड टू एन फोमाइल मिथ्योनिन दार्ज इनिशियटर टी आर एन ए इज रेफर्ड टू एज एफ मेट टी आर एन ए बिकॉज एन फोमाइल मिथ्यूनिन इज द फर्स्ट अमाइनो एसिड टू बी इनकारटेड इन टू अ पोलीपेपटाइड चेन वन माइ थिंक दैट ऑल प्रोक्रियोटिक प्रोटीन हैव अ फो माइल ग्रुप एट देयर अमाइनोटर्मिनल क्योंकि पहला जो है कोडॉन हमेशा ए यू जी होगा और हमेशा पहला अमाइनो एसिड जो आएगा वो फोर माइल मिथ्यूनिन आएगा तो जब तमाम प्रोटीन्स की सिंथेसिस में पहला जो है वो फॉर्माइल मिथ्यूनिन ही है तो इजीली वन कैन एक्सपेक्ट के प्रोकैरियोट्स की तमाम प्रोटीन्स में पहला अमाइनो एसड फोरमाइल मिथ्यूनिन होता है दिस इज नॉट द केस हाउवर बिकॉज एन एन एनजाइम नोन एज डी फॉर्माइलेज रिमूव्स रिमूव द फोर्माइल ग्रुप फ्रॉम दिनोटर्मिनस ड्यूरिंग और आफ्टर सिंथेसिस ऑफ पोलिपेप्टाइड चेन तो जब चेन अभी बन रही होती है या सिंथेसिस हो चुकी होती है उसके बाद एक एंजाइम डी फोमाइल आता है जो इस फोमाइल ग्रुप को आ, कट कर देता है बल्कि इनफैक्ट मेनी मेच्योर प्रोक्रियाटिक प्रोटीन्स डू नॉट इवन स्टार्ट विद अ मिथ्यून यानी कि फोर्माइल ग्रुप कट भी जाए तो भी जेन में आता है जी हमेशा पहला माइनोसिड मिथ्यूनिन ही होगा नहीं बहुत सी प्रोटीन में पहला एसिड मिथ्यून नहीं होगा क्योंकि अमाइनोपेप्टीडेजिज ऑफन रिमूव टर्मिनल मिथ्यून एज वेल एज वन और टू एडिशनल एसिड्स तो आ, 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 हर प्रोटीन सेंसिस में से मिथ्यून या एक दो पहले एसिड जो है वो रिमूव कर दिए जाते हैं स्पेशल एंजाइम्स अमाइनोपेप्टिजिज से तो इस तरह से हर प्रोटीन जो है वो डिफरेंट एसिड से स्टार्ट हो रही है